फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल मोमोनॉम पे। मैं पिंकी फिर लेके आई हूँ एक नए प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अब हम बात करेंगे इस तवे की क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये तवा जो है हार्ड एनोडाइज तवा है, और जो इसकी ब्रांडिंग है उषा श्रीराम है। बहुत अच्छा ब्रांड है ये। ये देखिए तवे के पीछे भी इन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है उषा श्रीराम की। और ये जो तवा है स्मॉल साइज़ है, छोटे किचन के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं बताती हूँ, इसकी कोटिंग काफ़ी अच्छी है, मेटल स्पून फ्रेंडली भी है, मतलब कि हम इस पर कोई सा भी मेटल का स्पून यूज़ कर सकते हैं। इस तवे का जो डायामीटर है 220 mm है, मतलब 22 सेंटीमीटर है इसका डाया। और जो इस तवे की जो थिकनेस है वो 4 mm है। ये देखिए इसका हैंडल भी काफ़ी मजबूत है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, इसके एजेस शार्प नहीं है, फिनिशिंग बहुत अच्छी दी हुई है, काफ़ी अच्छा है। और बात करते हैं इसके वज़न के बारे में। लाइट वेट है, हैवी नहीं है ये। और इस तवे पर हम मेटल स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, ग्रेट वैल्यू। ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन पे भी है और पेटीएम मॉल पे भी है, तो हम दोनों जगह से यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जो इसकी MRP है मैं आपको बताती हूँ इसकी MRP कितनी है। देखिए बॉक्स पे जो इसकी MRP है 725 रुपये है। ये मैंने पेटीएम मॉल से परचेज किया है 520 रुपीज़ में। बाकी इस तवे का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इस पर 5 ईयर्स की वारंटी है। और अब अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी इस तवे के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको। ये रोटी तवा है, आप इस पर पराठे भी बना सकते हैं, पर ज़्यादा ना बनाएं। तवा मतलब काफ़ी ऑयल से, जैसे कि यहाँ से साइड से ये जल जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो तवा मैं यूज़ कर रही हूँ हार्ड एनोडाइज का, इसको उन्हें क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप रोटी बनाएं, मोस्टली पराठे कम बनाएं इस पर। पराठे के लिए नॉनस्टिक तवा बेटर रहता है, और हार्ड एनोडाइज रोटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।